नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। उम्मीद करता हूं कि आपका नया वर्ष बहुत ही आनंदमय ढंग से बीता होगा। 1 जनवरी, आज 2 जनवरी है और आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं होम्योपैथी से रिलेटेड। होम्योपैथी पाठ्यक्रम में जो बदलाव आए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, सभी होम्योपैथी विद्यार्थी जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। होम्योपैथी पाठ्यक्रम में बदलाव, फिजियोथेरेपी, योग और आहार पोषण व जनरल सर्जरी शामिल हो गए हैं। देखिए, जनरल सर्जरी हमें पहले भी पढ़ना पड़ता था एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, अब थोड़ी गहराई उसमें रहेगी। ENT जैसे पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है जिसमें कि हम उन सारे सर्जरी को देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये आने वाले समय के लिए आप देख सकते हैं कि जो बदलाव आएंगे उस पर विचार हो रहे हैं, जिसके कारण इन सारे कोर्सेस को शामिल किया जा रहा है और होम्योपैथी पाठ्यक्रम को अति आधुनिक बनाया जा रहा है। अधिकतम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो कोर्स है BHMS कोर्स 5.5 साल का है और इसमें 1 साल का जो है रोटेटरी इंटर्नशिप होता है। 4.5 साल का कोर्स है और 1 साल का रोटेटरी इंटर्नशिप होता है। यह बातें जितनी भी मैं कह रहा हूँ, इसे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिसूचना भारत का राजपत्र में भी प्रकाशित किया जा चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि अधिकतम 10 वर्ष के भीतर डिग्री करना है अनिवार्य। जो BHMS में एडमिशन ले चुके हैं उन्हें अधिकतम 10 वर्ष में इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, अन्यथा उनके साथ क्या होगा इसकी जानकारी आप देखिए। इसमें आप पूरा देख लीजिए कि आयुर्वेद महासम्मेलन व आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि पूरी डिग्री 5.5 वर्ष की है, परंतु सप्लीमेंट्री व अनुत्तीर्ण के बाद भी अधिकतम 10 वर्ष में छात्रों को डिग्री करना अनिवार्य है। अगर छात्र 10 साल में भी डिग्री नहीं कर पाता है तो उस संस्थान से छात्र को बाहर किया जा सकता है। BHMS होम्योपैथी के छात्र अब योग, फिजियोथेरेपी, जनरल सर्जरी से संबंधित ENT, आँख, नाक, गला से संबंधित, दांत से संबंधित, आहार पोषण न्यूट्रिशन, रेडियोथेरेपी, हेमेटोलॉजी जो ब्लड से रोग उत्पन्न होते हैं उसकी स्टडी की जाएगी, पैथोलॉजी हम पहले भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते थे, अब पैथोलॉजी प्रयोगशाला प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह अति महत्वपूर्ण है। स्त्री प्रसूति जो गायनी एंड ऑब्स्ट्रिक्ट है और ऑब्स्ट्रेक्टिक्स है उसे हम लोग पहले भी पढ़ते थे, गायनी एंड ऑब्स से संबंधित रोग यह भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा। पल्मोनोलॉजी जो इंटेंसिव केयर मेडिसिन की बात होती है, जो लंग्स का स्टडी है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी होगा इससे या गहराई में हमें पढ़ाया जाएगा, इंटेंसिव केयर मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी चर्म रोग, साइकेट्री मानसिक रोग, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर जो है कैंसर पर भी पढ़ाई होगी आदि के अंतर्गत भी डिग्री व इंटर्नशिप के दौरान अध्ययन अध्यापन छात्र कर सकेंगे। ये सारी नई चीज़ें हैं जो कि होम्योपैथिक BHMS कोर्स में शामिल किए गए हैं। इससे जो डॉक्टर इस डिग्री को हासिल करेंगे उन्हें आगे जो है सरकार जो कदम उठाएगी इन सारे विषयों में भी MD आ सकते हैं। ये मेरा आकलन है क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आयुष पद्धति लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो रही है, लोग इसे अपना रहे हैं, आने वाले दिनों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात होगी, वहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट्स पर भी MD किए जा सकेंगे। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आप सबों को दिया। आप यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यह है कि देश भर में 285 होम्योपैथी कॉलेज हैं, जिसमें कि 221 होम्योपैथी कॉलेजों को 2022-23 के लिए मान्यता दी गई है। यह एक बहुत ही बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।